आखिर क्या हुआ था 1 अक्टूबर 1998 को, 20 साल बाद भी उस रात का दर्द झेल रहे हैं सलमान। बहुचर्चित काला हिरन शिकार मामला 1 अक्टूबर 1998 को हुआ था। यह अजीब संयोग है कि उस दिन भी गुरुवार था और आज भी गुरुवार है। जोधपुर के काकानी गांव में रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच खेत में अचानक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी चमकी। खेत में रोशनी देखकर ग्रामीण सतर्क हो गए कि यह जिप्सी शिकार के लिए घूम रही है। तभी रात के सन्नाटे में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी तो यह शक यकीन में बदलते देर नहीं लगा। ग्रामीणों को जैसे ही गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी वह लाठी डंडों के साथ उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से आवाज़ आई थी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने देखा 2 काले हिरन मृत पड़े थे, वहीं जिप्सी में कुछ लड़के लड़कियां सवार है। ग्रामीणों ने पीछा किया तो शिकारी जिप्सी लेकर भाग खड़े हुए। हालांकि चश्मदीद बताते हैं कि भागते जिप्सी में बैठे सलमान को लोगों ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान चश्मदीद छोगाराम ने अपने बयान से पलट गया। यही नहीं, उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में अर्जी लगा दी कि उसे कुछ याद नहीं रहता, लिहाजा उसे गवाही से अलग रखा जाए। घटना के बाद दोनों काले हिरनों का पोस्टमार्टम हुआ जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा की गई। इसके बाद सैकड़ों लोगों के सामने पारंपरिक तरीके से दोनों काले हिरनों को दफनाया गया, मगर उस दिन का मंजर काकानी गाँव के लोगों को आज भी याद है। बता दें कि विष्णुई समाज के लोग काले हिरन और चिंकारे को अपने घर की संतानों की तरह मानते हैं। गांव के लोग भी इनके संरक्षण के लिए जान छिड़कते हैं। हेलो दोस्तों, नीचे दिए गए एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, और आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। धन्यवाद।